हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज की वीडियो जो है गाइस, वो हेयर रिलेटेड वीडियो है कि ऐसे क्या मिस्टेक्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है और हमारे हेयर भी ग्रो होना बंद हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें जिससे हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो रुक जाए। तो इसके लिए हम लोग कई तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, कई होम रेमेडीज़ भी ट्राई करते हैं, बट फिर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है और दिन ब दिन जो प्रॉब्लम्स जो है वो और बढ़ते ही जाती है। तो ऐसे मतलब में हम क्या मिस्टेक्स हैं जो हम अवॉइड कर देते हैं, जिस पे हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता कि हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और हम उस काम को करते रहते हैं। तो चलिए आज भी इस वीडियो में उसी बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या है मतलब वो मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो कम हो। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि बस क्या क्या मिस्टेक्स हैं। गाइस, जो फर्स्ट मिस्टेक है वो ये है कि ये अपने बालों को जो है गीले बालों को ही कॉम कर देते हैं। मतलब ये मिस्टेक जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है कि अधिकतर लोग ये गलती कर देते हैं कि हम अपने बालों को वॉश करके आते हैं और तुरंत ही अपने बालों को झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए गाइस क्योंकि उस टाइम जो है हमारे हेयर जो है बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर हम अपने हेयर को वॉश करके आएँ तुरंत और तुरंत कॉम करेंगे तो हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी और अगर हम इस तरह रेगुलर करते रहेंगे तो हमारे हेयर जो है दिन ब दिन झड़ते ही रहेंगे। गाइस, मिस्टेक नंबर टू जो है वो ये है कि जब हम अपने बालों को वॉश करके आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा देर तक अपने बालों में टॉयल को लपेट करके छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। हमें अपने बालों को 5 मिनट से ज़्यादा कपड़े में लपेट कर नहीं रखना चाहिए, इससे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ बालों को झटके से कभी नहीं सुखाना चाहिए कि कपड़ा ले लिया और उस पर रब किए जा रहे हैं, रब कर करके सुखा रहे, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे हमारे बाल डैमेज होते हैं। गाइस, गाइस जो तीसरी मिस्टेक है वो ये है कि हम अपने बालों में ऑयल अप्लाई नहीं करते हैं रेगुलर बेसिस पे, इस वजह से भी हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें रेगुलर बेसिस पे वीक में कम से कम हमें 2 बार जो है हेयर में ऑयल अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि हमारे हेयर को पोषण मिले और वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी ना हो। गाइस, फोर्थ मिस्टेक ये है कि हम अपने बालों में ऑयल तो अप्लाई करते हैं, बट ऑयल हम बहुत लोगों को क्या लगता है कि अगर हम अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा ऑयल अप्लाई करेंगे तो हमारे हेयर जो है जल्दी जल्दी ग्रो होंगे और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ऐसा भी बिल्कुल गलत है गाइस, हमें अपने बालों में इतना भी ऑयल अप्लाई नहीं करना चाहिए जिससे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम और बढ़ जाए। जी गाइस, अगर अपने हेयर को मतलब बहुत ही ज़्यादा देर तक अगर आप ऑयल को अप्लाई करके रखेंगे तो इससे भी जो है हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक अगर ऑयल के अप्लाई करके रखते हैं तो हमारी जितनी भी डर्ट है, गंदगी है, वो आकर हमारे बालों में चिपक जाती है और जिससे फिर हमें कई तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डैंड्रफ भी इसमें एक है कि अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक बालों में अप्लाई करके रखते हैं ऑयल तो डर्ट और गंदगी की वजह से हमारे हेयर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइस, फिफ्थ मिस्टेक जो है वो ये है कि हमें अपने बालों को डेली डेली वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बालों को डेली डेली वॉश करेंगे तो इससे जो है हमारे बालों का नेचुरल ऑयल निकल जाएगा और फिर हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लगेगी। मिस्टेक नंबर 6 ये है गाइस कि हमें कभी भी अपने बालों को गर्म पानी से वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बालों को गर्म पानी से वॉश करेंगे तो इससे भी हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे बालों का नेचुरल ऑयल निकल जाएगा और हमारे बालों के लिए नेचुरल ऑयल जो है हमारे बालों के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, सेवेंथ मिस्टेक ये है कि हमें अपने बालों को कभी भी टाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बालों में टाई करके बांधेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे बालों पे दबाव पड़ेगा और बाल बहुत ही ज़्यादा टूटेंगे। तो मेक श्योर करें कि हम अपने बालों को जो है हल्का ढीला ही बांधें, ज़्यादा टाइट बांधने से हमारे बाल हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। तो मिस्टेक नंबर 8 जो है वो ये है कि हमें कभी भी अपने बालों के रूट्स पर कंडीशनर को अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंडीशनर में जो है कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए हार्मफुल होते हैं गाइस। तो हम शैम्पू अप्लाई करने के बाद कंडीशनर को भी वैसे ही जैसे रूट्स में अप्लाई करते हैं शैम्पू को, वैसे अपने कंडीशनर को कभी भी रूट्स में अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ बालों के नीचे की लेंथ में ही अप्लाई करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि कभी भी बालों के जड़ों में कंडीशनर को अप्लाई ना करना पड़े। मिस्टेक नंबर 9 ये है कि हम क्या करते हैं जब हमें जल्दीबाजी रहती है तो हम अपने हेयर को ड्राई करने के लिए जो हम ड्रायर हेयर ड्रायर के यूज़ करते हैं, उसमें से जो गर्म हवा मतलब गर्म हवा जो आती है उससे क्या होता है कि हमारे हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत कम ही हमें हेयर ड्रायर का यूज़ करना पड़े।
सो गाइज प्लीज़ ट्राई करें कि ये सभी जो हैबिट्स हैं उन्हें आप अवॉइड करें, क्योंकि अगर इन सभी हैबिट्स अगर ये सभी हैबिट्स आपको रहेगी तो फिर कितना भी कुछ कर लीजिए आप लोगों को जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो होगी ही। तो प्लीज़ ट्राई करें कि ये सब हैबिट्स जो हैं वो आप अवॉइड करें। और एक ये है कि अपने हम सब जानते हैं कि पानी जो है हमारे पूरी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है, तो प्लीज़ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो फिर आपकी ऐसे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम होगी। आई होप गाइस कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई हो। इस वीडियो से आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।